जावरा कोट परिसर में फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले जोझार मालवीय का सीना गर्व से उस वक्त चौड़ा हो गया जब उनकी बेटी निरंजना मालवीय ने सिविल जज परीक्षा पास की। 3 महीने पहले ही बेटी निरंजना की शादी सोनकच्छ के रहने वाले योगेश मालवीय के साथ हुई थी और जब बेटी पति के साथ घर आई और पिता को बताया कि वो सिविल जज बन गई हैं, तो पिता की आंखों से खुशियों के आंसू झलक पड़े। निरंजना जब कोर्ट परिसर में स्थित अपने पिता की दुकान जाया करती थी तो तब उनकी नजर न्यायाधीश महोदय पर गई। तब से निरंजना ने अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करने का फैसला कर लिया। मेरे पिता श्री जुझार मालवीय की कोर्ट परिसर जावरा में दुकान है और मैं कक्षा 10वीं से ही वहाँ जाती आती रही। न्यायाधीश श्री महोदय को आते हुए देख मुझे प्रेरणा मिली कि मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य सिविल जज बनना ही है। फिर मैंने 2018 में लॉ कंप्लीट करने के बाद में निरंतर तैयारी की। एक बार साक्षात्कार में असफल रहने के पश्चात द्वितीय प्रयास से मैंने सफलता प्राप्त की। सिविल जज परीक्षा पास करने वाली निरंजना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। उन्होंने बताया है कि पिता ने हमेशा ही उन्हें प्रेरणा दी और एक बार जब उनके मन में सिविल जज ना बनने का ख्याल आया तो समझाया कि बेटा, हमने जो लक्ष्य हासिल किया है उसके लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए, फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए हमें भटकना नहीं चाहिए। प्राथमिकता तो यह है कि आज जो भी मैं हूँ आज इन दोनों की बदौलत ही हूँ। पिताश्री का पूर्ण सहयोग मिला। दूसरी तैयारी करने की इच्छा मन में एक बार आई। एक बार मेरा CRPF में चयन हुआ था पर पिताश्री ने कहा कि नहीं, जिस जो चीज़ के लिए बने हैं हम उसी में हम अग्रसर होंगे और अंतिम रूप से लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो सर जिसका परिणाम आपके समक्ष है। सोशल मीडिया पर निरंजना और उनके पिता के संघर्ष की ये कहानी सुनकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। निरंजना ने ये साबित कर दिखाया कि जीवन में किसी लक्ष्य को पूरा करने के बारे में ठान लिया तो उसे किसी भी हालत में पूरा किया जा सकता है।